ये खबर, ये जानकारी आप तक पहुंचे। और बढ़ते हैं आगे, पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद ने पुरानी पेंशन को लेकर एक नोटिस दिया है और चर्चा किए जाने की उन्होंने मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में सभापति को नोटिस दिया है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, जिस पर चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा नोटिस दिया गया है और ये पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में इसके संदर्भ में नोटिस दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा सभापति को नोटिस दिया है कि इस पर चर्चा कराई जाए। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग चूंकि काफी लंबे समय से उठती रही है और क्या बहाली हो पाएगी इस नोटिस के दिए जाने के बाद चर्चा हो पाएगी, हालांकि इसके बारे में और डिटेल्स जरूर ले लेंगे। विनोद लांबा, डेप्यूटी एडिटर हरियाणा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनोद, नोटिस दिया गया दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग जो लंबे समय से चल रही है, क्या कुछ नोटिस है, कब तक चर्चा संभव है? देखिए, अभी इसका नोटिस का जवाब आना बाकी है और स्पेशल मेंशन लगाकर अपनी तरफ से सवाल लगाया गया है इस मुद्दे पर। चेयरमैन से परमिशन मांगी है कि उनको इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जाए और खास तौर पर जो इसके पॉइंटर्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं कि 12 वर्ष बाद 2016 से लगातार नई पेंशन के खिलाफ कर्मचारी असंतोष है, उसी मुद्दे पर आंदोलन भी है। और ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि चलो पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर से एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ करते, लेकिन एक जो टेक्निकल सा पॉइंट लिखकर कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाना चाह रहे हैं कि अब जो पैसा निकालना है नई पेंशन नीति में, जरूरत पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को अपना पैसा निकालने का प्रावधान नहीं है, इसके चलते उन्हें कठिन परिस्थितियों में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनेक कर्मचारी संगठन समय समय पर सरकार में पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने की मांग करते आ रहे हैं, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ये ओपीएस को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा करना चाहते हैं। मौका मिलता है नहीं मिलता राज्यसभा में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से चुनावी मुद्दा भी रहा और कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल के बाद जो कांग्रेस शासित राज्य हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है और कहीं ना कहीं अब उसके बाद अगर हरियाणा के कोटे से आते हैं, हरियाणा के जो नेता हैं राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर जाते हैं और अगर मौका मिलता है तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है निश्चित रूप से। और अब देखना होगा कि चर्चा के दौरान क्या इसकी बहाली को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो मांग की जा रही है, उस पर उतनी गंभीरता दिखाई जाती है नहीं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विनोद लांबा, डिप्टी एडिटर हरियाणा, जिनका ये कहना है कि इस बारे में नोटिस दिया गया है, प्रश्न की मांग की गई है दीपेंद्र हुड्डा द्वारा।